नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लिटरेचर और फाइन आर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। संस्कृत लिटरेचर, अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर, फाइनली रीजनल लैंग्वेजेस और फाइन आर्ट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर खत्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई, देखते हैं कितना हो पाता। शुरुआत करते हैं संस्कृत लिटरेचर से। देखिए, संस्कृत की बात की जाए तो ओवरऑल जो एलिट क्लास थी, जैसे ब्राह्मण्स थे और जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे मिडवल इंडिया में, वो ओवरऑल संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। आम आदमियों को जनरल कर संस्कृत नहीं आती थी, समझने में थोड़ी मुश्किल होती थी। लिटरेचर की भाषा अगर देखा जाए इंडिया के अंदर, तो वो संस्कृत थी। ओके, और संस्कृत के बहुत सारे यहाँ पे वर्क्स को भी बनाया गया, अलग अलग ब्रांचेज में बनाया गया, ठीक है। अगर आप बात करो शंकराचार्य की, फिर अगर आप बात करो रामानुजाचार्य की, माधवाचार्य की, वल्लभाचार्य की, इन सब ने संस्कृत में लिखा है। रामानुज, माधव, वल्लभ, शंकराचार्य, सबने यहाँ पे संस्कृत में अपने ट्रीटाइसेस को, अपनी राइटिंग्स को लिखा है। ओके, द स्पीड विद विच देयर आइडियाज वॉज वाइडली डिसिमिनेटेड एंड डिस्कस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री शोड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ संस्कृत ड्यूरिंग संस्कृत कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कि ओवरऑल आप देखोगे कि चूंकि संस्कृत में यहाँ पे इन ऑथर्स ने लिखा, तो इन ऑथर्स की जो थॉट प्रोसेस थी वो बहुत तेजी से फैली। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमारे सबर्बन इलाकों में उस समय पर, जो बिल्कुल को रूरल इलाकों में थे, वहाँ पर ज़्यादा लोग संस्कृत नहीं जानते थे, बट ओवरऑल संस्कृत के जो श्लोक थे, जो यहाँ पे ओवरऑल रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य ने बोला, वो संस्कृत से ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर लोकल लैंग्वेजेस में लोगों तक पहुंच जाते थे। थॉट प्रोसेस यहाँ पे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य के लोगों तक पहुंचते थे, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि भाई संस्कृत भाषा का रोज काफी इंपॉर्टेंट रहा है। संस्कृत भाषा में जो भी ट्रेटाइटिस लिखे गए हैं, ओवरऑल उनका काफी डिसिमिनेशन हुआ, उसमें लिखे गए आइडियाज लोगों के अंदर बहुत तेजी से फैले। फिर There was a network of specialized schools and academies in different parts of the country, including areas under Muslim domination. These schools and academies were not interfered with and continued to flourish. तो मतलब वो इलाके हमारे देश में जो कि मुस्लिम डोमिनेशन के अंदर थे, वहां पे भी संस्कृत स्कूल चल रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे और रीजनल स्कूल्स भी चल रहे थे। तो मतलब कि ओवरऑल इंडिया के अंदर एक खास बात देखी गई है। अब ओवरऑल कोई राजा बिल्कुल ही पागल हो, बात अलग है, बट मुस्लिम शासन के दौरान भी संस्कृत और बाकी भाषाओं के जो आप कह सकते स्कूल कॉलेजेस थे, एकेडमीज थी, जहां पे भी रीजनल लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन का काम चलता था, वो सब फ्लॉरिश कर रहे थे मुस्लिम साम्राज्य के अंदर भी। ओके, फिर संस्कृत लिटरेचर के प्रमोट होने में एक और बहुत मेजर रोल रहा है, किसका, पेपर का। भाई पेपर की टेक्नोलॉजी सामने आ गई थी, तो पेपर पे लिख के आप पुराने टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, डिसेमिनेट कर सकते हो। तो द सम ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ द रामायण एंड महाभारता रिटन ऑन पेपर बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन द 11th एंड 12th सेंचुरी। तो भैया रामायण और महाभारत के जो ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट थे, ठीक है, जिनको पेपर पे लिखा गया था, वो भी आपकी 11वीं से लेके 12वीं शताब्दी के हमको अभी आज की डेट में मिले हैं। तो मतलब 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पेपर पे लिखे हुए रामायण और महाभारत के संस्कृत के टेक्स्ट आज की डेट में हमको मिल रहे हैं। मतलब उस समय पे मुस्लिम शासन के दौरान भी ओवरऑल इंडिया के अंदर संस्कृत का वर्क और बाकी रीजनल वर्क्स भी जारी थे, किसी प्रकार की यहाँ पे रोक टोक नहीं थी। उसके आगे अगर बात की जाए तो भाई फिलॉसफी के अलावा काव्य, पॉलिटिकल नैरेटिव, ड्रामा, फिक्शन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, इन सब को भी यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अ लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट ऑन हिंदू लॉ धर्मशास्त्र वर प्रिपेयर्ड बिटवीन द 12th एंड 16th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में हिंदू ला धर्मशास्त्रों के ऊपर भी बहुत सी यहाँ पे कमेंट्रियां लिखी गई हैं। फिर द ग्रेट मिताक्षरा ऑफ विविजननेश्वर विच फॉर्म्स वन ऑफ द टू प्रिंसिपल्स हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लेस्ड अर्लियर देन 12th सेंचुरी। तो हिंदू स्कूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में विजननेश्वरा ने लिखी है मिताक्षरा। ये मिताक्षरा भी संस्कृत में लिखी गई है और 12वीं शताब्दी से पहले की नहीं है, ये उसके बाद की है। फिर बिहार के यहाँ पे एक फेमस कमेंटेटर हैं चंदेश्वर, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखते थे, इन्होंने भी यहाँ पे संस्कृत में ओवरऑल बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। साउथ इंडिया में भी संस्कृत में वर्क्स लिखे गए। बंगाल का इलाका, मिथिला का इलाका जो आज की डेट में प्रेजेंट डे बिहार है, वेस्टर्न इंडिया का इलाका जो कि हिंदू रूलर्स के पेट्रोनेज के अंदर था, वहाँ पे भी संस्कृत में लिखा गया है। ओवरऑल जो मुस्लिम इलाकों के डोमिनेशन, मतलब मुस्लिम राज के डोमिनेशन में जो इलाके थे, वहाँ पे भी लिमिटेड तौर पे जो अकेडमीज थी और जो टीचिंग स्कूल्स थे संस्कृत के, वो चालू थे। जैन्स ने भी इनफैक्ट संस्कृत की ग्रोथ में अपना रोल प्ले किया है। एक प्रोमिनेंट जैन है हेमचंद्र सूरी, उन्होंने भी यहाँ पे संस्कृत में टेक्स्ट लिखे। लेकिन संस्कृत के टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है
कि मुस्लिम्स के प्रेजेंस को इन संस्कृत टेक्स्ट में इग्नोर किया गया। ओके, और एक और खास बात है, देखिए आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि संस्कृत में लिखे गए टेक्स्टों को पर्शियन भाषा में बदला गया, अरेबिक भाषा में बदला गया। इनफैक्ट अरेबिक कल्चर तो एक ऐसा कल्चर जो कि हाईली एडवांस था, तो उस कल्चर को अगर कहीं से भी कोई नॉलेजेबल चीज मिल रही है वो तुरंत अडॉप्ट करेंगे। बट इंडिया का ये जो संस्कृत कल्चर था इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, दूसरी भाषाओं की जो नॉलेजफुल चीजें थी उनको जल्दी संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन बताया जा रहा है, लव स्टोरी यूसुफ और जुलेखा की, जो कि एक पर्शियन पोएट जामी ने लिखी थी, इसको भाई आपका संस्कृत में कन्वर्ट किया गया। फिर वर्क्स ऑन द एस्ट्रोलेब यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोलॉजी, इसको कुछ हद तक पर्शियन से आपका संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। बट एक मेजर स्केल्स पे पर्शियन से संस्कृत में ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल्स हमको मिलते नहीं है, बट संस्कृत से पर्शियन और अरेबिक और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन के बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन साइंस एंड टेक, इंडियन आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में जो प्रोलिफरेट करी है और फैली है, उसकी एक वजह यह भी है कि संस्कृत भाषा में जो भी आप कह सकते हो वर्क्स इंडिया के अंदर डिवाइस किए गए उनकी दूसरों भाषा में, उनको दूसरे भाषा में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है भाई, फिर आगे बात करते हैं लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। देखिए अब अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर की बात की जाए तो मुस्लिम्स ने पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी भाषा में लिटरेचर या साइंटिफिक वर्क्स लिखे हैं तो वो भाषा है आपकी अरेबिक। जी हाँ, ओवरऑल अरेबिक प्रॉफिट साहब की भी भाषा थी। ओवरऑल पूरी दुनिया में स्पेन से लेके बगदाद तक, आज की डेट में आप कह लो यूरोप से लेके वेस्ट एशिया तक, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स ने अगर किसी टेक्स्ट में किसी भाषा में टेक्स्ट लिखे हैं तो वो अरेबिक है। लेकिन ये जो मुस्लिम टर्क्स इंडिया के अंदर एंट्री मारेंगे ये एक भाषा से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे और वो है पर्शियन भाषा। और अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में जो लिटरेरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनी वो थी आपकी पर्शियन भाषा। इंडिया में पर्शियन भाषा की अरेबिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इंडिया में अगर अरेबिक इस्तेमाल की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी, लेकिन इट वॉज कन्फाइंड टू अ नैरो सर्कल ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट बीइंग रिटन इन अरेबिक, अ फ्यू वर्क्स ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी वर आल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक इन कोर्स ऑफ टाइम, डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ वर प्रिपेयर्ड इन पर्शियन विद द हेल्प ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। बस इतना समझ लीजिए कि व्हेन इट कम्स टू अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर, तो अरेबिक भाषा का प्रयोग कंपैरेटिवली साउथ सेंट्रल एशिया और इंडिया में कम था। वैसे तो था, बहुत सारे ओरिजिनल टेक्स्ट अरेबिक में लिखे गए थे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो थी इंडिया की वो आपकी पर्शियन थी, इसलिए बहुत सारे अरेबिक वर्क्स को यहाँ पे पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया गया। तो इंडिया में जो इस्लामिक लॉ था उसको भी पर्शियन में लिखा गया था, इंडियन स्कॉलर्स ने इसको लिखने की मदद की थी। फिर आप देखोगे कि ये जो इस्लामिक लॉ की किताबें थी ना वो अलग अलग थी, मतलब अलग अलग रूलर के समय पे अलग अलग इस्लामिक लॉ की किताब थी। हालांकि सब में लॉ एक ही था, बट हर रूलर को अपना शौक होता था कि भाई वो एक बड़ा जबरदस्त लिटरेरी वर्क करवाए। तो आप देखोगे कि फिरोज तुगलक के समय पे आप देखोगे अरेबिक डाइजेस्ट तो बनाया जाता है, डाइजेस्ट कह सकते हो जैसे आज की डेट में मैगजीन्स को डाइजेस्ट कहा जाता है, तो उस समय भी अरेबिक डाइजेस्ट ओवरऑल पर्शियन डाइजेस्ट बनाए जाते थे। तो जो अरेबिक डाइजेस्ट बनाए जाते थे उसमें जो फेमस डाइजेस्ट था वो था आपका फतवा ई आलमगीरी, जिसको आप बोलते हो डाइजेस्ट ऑफ द लॉज प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ जूरिस्ट। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी डाइजेस्ट आपके अरेबिक में बनवाए जाते थे ज्यादातर केसेस ज्यादातर को आपका पर्शियन में भी कन्वर्ट किया जाता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा यहाँ पे पर्शियन थी। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि पर्शियन शुरुआत से थी यहाँ पे, पर्शियन से पहले यहाँ पे अरेबिक ने एंट्री मारी। जब शुरुआती फेजेस में इस्लाम ने इंडिया में एंट्री मारी तो इस्लाम के साथ जो इंडिया में लैंग्वेज एंट्री मारेगी वो है आपकी अरेबिक। धीरे धीरे ये अरेबिक भाषा के कंपैरिजन में पर्शियन का प्रयोग ज्यादा होने लगा। तो जब 10th सेंचुरी के दौरान टर्क्स ने इंडिया के अंदर एंट्री मारी तब पर्शियन भाषा इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, और आगे आने वाले समय में ईरान में सेंट्रल एशिया में 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पर्शियन भाषा बहुत तेजी से उठती ऊपर आगे आ गई। पर्शियन भाषा के बहुत सारे ग्रेट पोएट सामने आएंगे, जैसे फिरदौसी हो गया, सादी हो गया, ये सब 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने अपने वर्क्स को कंपोज किया। अब आप बोलोगे क्या सर 10वीं से 14वीं शताब्दी सब में एक्टिव थे 400-500 साल? तो देखिए एक टेंटेटिव टाइम पीरियड दिया गया है इनकी लिटरेरी
राइटिंग्स को ओवरऑल आप एग्जैक्टली हिस्ट्री के केस में एग्जैक्ट डेट बता पाना बहुत सारे केसेस में मुश्किल है। तो अब आप देखोगे कि टर्क्स जैसे जैसे इंडिया में एंट्री मारेंगे वो किस भाषा को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, तो भाई वो पर्शियन भाषा को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो टर्क्स अडॉप्टेड पर्शियन एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। दस लाहौर इमर्ज्ड एज द फर्स्ट सेंटर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो हमारे देश में भैया पर्शियन लैंग्वेज के कल्टीवेशन का पहला जो सेंटर उभरा वो उभरा आपका लाहौर, ठीक है। Although the works of only a few of these early writers of Persian in India have survived, we find in the writings of some of them, such as Masood Sad Sarman, a sense of attachment and love for Lahore. Persian भाषा में लिखे गए बहुत सारी writings आज की date में exist नहीं करती। अब इतनी पुरानी writings है, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं, 14वीं, अभी उतनी पूरी पुरानी writings हो सकता है इस समय पर survive ना की गई हो, लेकिन जो भी writings यहाँ पर survive की गई हैं, जैसे कि एक मसूद सद सलमान थे, इनकी कुछ राइटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं, तो इनकी राइटिंग्स में लाहौर के लिए बड़ा प्यार दिखाया गया। तो जो मेन मेन आप कह सकते हो कि जो पर्शियन राइटर्स थे वो आप कह सकते हैं कि लाहौर के इलाके में सेटल हुए होंगे, और लाहौर एक प्रकार के पर्शियन सेंटर बन गया होगा उस समय का अंपायर का। ओके, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और नोटेबल पर्शियन राइटर कौन रहे हैं, तो आप कह सकते हो अमीर खुसरो। 1252 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ पटियाली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बदायतिन के पास। और अमीर खुसरो अपने आप को प्राउडली एक इंडियन बोलते थे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपने रूट्स को खंगाल लें कि भैया मैं तो टर्क्स के थ्रू इंडिया में आया हूँ तो मैं तो टर्किश इंडिया को नहीं मानता हूँ, वो अपने आप को इंडिया का बोलते थे। और देखिए उन्होंने क्या बोला है, आई हैव प्रेज्ड इंडिया फॉर टू रीजंस। मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ दो वजहों से। फर्स्ट, बिकॉज इंडिया इज द लैंड ऑफ माई बर्थ एंड अवर कंट्री, लव ऑफ अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन। तो इनका क्या कहना है कि भैया इंडिया मेरे जन्म की जगह है और मेरा देश है, और अपने देश के लिए प्यार रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एक हेवन की तरह है, खुरासन से ज़्यादा अच्छा वेदर हिंदुस्तान का है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान के अंदर खुरासन में चले जाओगे, बड़ी भीषण ठंडी पड़ती है वहाँ पे, बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ग्रीनरी और फ्लावर्स पूरे साल रहते हैं, इतनी एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस इंडिया में नहीं है, तो टेम्परेचर इनको ज़्यादा पसंद आए। फिर यहाँ पे अमीर खुसरो बोलते हैं कि इंडिया के जो ब्राह्मण्स हैं वो एरिस्टोटल जितने पढ़े लिखे हैं, इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग स्कॉलर्स हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो खुसरो की राइटिंग्स में आप भारत के लिए प्यार देखेंगे, इंडिया के लिए प्यार देखेंगे, ये टर्किश रूलिंग क्लास में था। ये जो टर्किश आपके देश के बाहर से इंडिया के अंदर आके एस्टैब्लिश हुए थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ये इंडिया को अपना ही देश समझते थे, ये इंडिया को फॉरेनर नहीं समझते थे। आगे आने वाले समय में जब अंग्रेज राज करेंगे तो अंग्रेज इंडिया की सारी दौलत को उठा के विदेश ले जाएंगे, लेकिन इन टर्क्स ने इंडिया को अपना समझा और ओवरऑल इंडिया में इस प्रकार से राज किया जैसे कि वो उनका देश है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे ये फॉरेन से आए थे, बट ये अपने आप को फॉरेन रूलिंग क्लास कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो चूंकि यहाँ पे टर्किश रूलर्स परमानेंटली सेटल होने वाले थे, तो इनका कल्चरल रिप्रोचमेंट होगा इंडियंस के साथ, तो जो टर्किश कल्चर है और इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि खुसरो रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पोएटिकल वर्क्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस। बहुत सारे पोएटिक से रिलेटेड वर्क्स को खुसरो ने लिखा है, हिस्टोरिकल रोमांसेस यहाँ पे बात की गई है, अलग अलग प्रकार के जो पोएट पोएम्स लिखने के तरीके हैं इनके साथ एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे खुसरो ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक आप कह सकते हो कि न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन को यहाँ पे क्रिएट किया। इस न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन को यहाँ पे बोला जाता है सबक ई हिंदी या स्टाइल ऑफ इंडिया। तो इस न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन को यहाँ पे खुसरो द्वारा बोला गया, न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन को सबक ई हिंदी। तो सबक ई हिंदी ये स्टाइल किसने ईजाद की है, आप कह सकते हैं खुसरो ने ईजाद की। खुसरो ने भारतीय भाषाओं की भी काफी तारीफ की, इंक्लूडिंग हिंदी। हिंदी को वे हिंदवी बोलते हैं। अच्छा, आज की प्रेजेंट डे जैसी हिंदी नहीं है, इनफैक्ट आज की प्रेजेंट डे जैसी हिंदी भी कोई आप कह सकते हो कि कॉन्स्टेंट नहीं है। आप इलाके टू इलाके वेरी करोगे तो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन, ओवरऑल हिंदी का बोली बिल्कुल बदल जाएगी। आज की डेट में भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा में ही हिंदी बोली जाती है, बट उनके जो बोलने का तरीका है अलग है। आप चंडीगढ़ मोहाली साइड चले जाओ, वहाँ बोलने का अलग है तरीका। बिहार में चले जाओ, वहाँ अलग है। आप यूपी में आ जाओ, अलग है, समझ गए ना। इनफैक्ट वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में ही थोड़ा बहुत फर्क देखने को हमको मिल जाता है। तो खुसरो ने यहाँ पे भारतीय भाषाओं की तारीफ की, हिंदी की भी तारीफ की, जिसको वो हिंदी भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्कैटर्ड हिंदी वर्सेस मिलते हैं जिसमें खुसरो ने लिखा भी है। जो एक बड़ा फेमस वर्स है जिसको आप बोलते हो खालिक बारी,
वैसे तो ऐसा लिखा हुआ है कि खलीद बारी को अमीर खुसरो ने लिखा है, बट ऐसा बताया जाता है कि अमीर खुसरो के बाद कोई एक दूसरा पोएट आया था, उसने अमीर खुसरो के नाम से यहाँ पे पोएम लिखी है। तो एक्चुअली में जो खालिद बारी नाम की जो पोएटिकल वर्क है, ये एक्चुअली में ओरिजिनली अमीर खुसरो का नहीं है, अमीर खुसरो के नाम के एक दूसरे ऑथर ने यहाँ पे इस पोएटिकल वर्क को लिखा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अमीर खुसरो अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियन भी था, बहुत सारी अलग अलग रिलीजियस म्यूजिकल गैदरिंग्स जिनको सामा बोलते थे उनमें भी वो पार्टिसिपेट करता था। और अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। ओके, ऐसा बोला जा रहा है कि जब इनके पीर, पीर मतलब टीचर, और निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे यहाँ पे अमीर खुसरो, जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई ना उसी दिन ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो जिस कंपाउंड में निजामुद्दीन औलिया को दफनाया गया वहीं पे अमीर खुसरो को भी यहाँ पे दफनाया गया। और पोएट्री के साथ साथ पर्शियन भाषा में हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी है गई है। और हिस्ट्री लिखने में जो फेमस हिस्टोरियंस हैं जिनका नाम सामने आता है, एक है जियाउद्दीन बरौनी, एक है अफीफ, एक है इसामी। एक्चुअली जियाउद्दीन बरौनी का नाम ज्यादा आता है, अफीफ इसामी हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। और चूंकि हमारे यहाँ पे पर्शियन मतलब इंडिया के अंदर पर्शियन भाषा खूब बोली जाती थी, तो उसके चलते सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ इंडिया के कल्चरल रिलेशंस भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए। धीरे धीरे पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बन गई, अपर क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स नोबल्स और उनके डिपेंडेंट्स नॉर्थ इंडिया में और बाद में साउथ इंडिया और पूरे इंडिया में पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करने लगे। तो पर्शियन भाषा एकदम से नहीं आई है, शुरुआत में थी अरेबिक भाषा, उसके साथ साथ थी संस्कृत। जब टर्क्स ने एंट्री मारी तो टर्क्स ने पर्शियन भाषा के प्रयोग को यहाँ पे प्रमोट किया, और धीरे धीरे आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरऑल पर्शियन भाषा डोमिनेंट होने लगी, नॉर्थ साउथ हर जगह पे। तो ये जो संस्कृत थी और पर्शियन थी, दे फंक्शन एज लिंक लैंग्वेजेस इन द कंट्री इन पॉलिटिक्स रिलीजन एंड फिलोसफी। तो पॉलिटिक्स की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, फिलोसफी की बात कर लो, यहाँ पे संस्कृत और पर्शियन लिंक भाषा की तरह काम करती हैं। पहले इनके बीच में इंटरचेंज थोड़ा कम था, बाद में इंटरचेंज ज्यादा हुआ। बोलोगे सर पर्शियन और संस्कृत के बीच में इंटरचेंज कैसे हुआ, तो बताता हूं। जिया नक्शबी नाम के एक ऑथर है, 1350 एडी के लगभग ये एक्टिव थे। बहुत सारी संस्कृत स्टोरीज को इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई संस्कृत के बहुत सारे काव्यों को, लेखन को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया है, बट पर्शियन से संस्कृत में कन्वर्जन के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। तो संस्कृत स्टोरी को पर्शियन में कन्वर्ट करना ये जिया नक्शबी ने किया। तो इसमें वो कहानियां जहां पे एक तोता एक वुमेन को उसके हस्बैंड से रिलेटेड सारी कहानियां सुनाता है, तो ऐसी संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। किताब को नाम दिया गया तूती नामा, बुक ऑफ द पैरट। और तूती नामा मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे लिखी गई थी। तूती नामा बहुत फेमस हुई, इतनी फेमस हुई तूती नामा कि इसको पर्शियन से टर्किश भाषा में कन्वर्ट किया गया और बहुत सारी और यूरोपियन भाषाओं में कन्वर्ट किया गया और पूरी दुनिया में पढ़ी गई। सोचिए, संस्कृत स्टोरी थी ये, इसको पहले पर्शियन में कन्वर्ट किया गया जिया नक्शबी के द्वारा। पर्शियन भाषा में इतनी फेमस हुई कि पर्शियन भाषा से टर्किश भाषा में और बाकी यूरोपियन भाषा में इसको कन्वर्ट किया गया। फिर आप देखोगे कि जो ओल्ड इंडियन ट्रीटाइज ऑन सेक्सुअलॉजी, इसको बोला जाता था कोक शास्त्र, इस कोक शास्त्र को भी संस्कृत से पर्शियन में कन्वर्ट किया किसने, जिया नक्शबी ने। फिर भाई फिरोज शाह तुगलक के समय पे भी बहुत सारी संस्कृत की किताबें जो कि मेडिसिन पे थी, म्यूजिक पे थी, उनको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। फिर जो सुल्तान जैनुल अबिदीन था कश्मीर का, उसने जो फेमस हिस्टोरिकल वर्क है राज तरंगिनी और महाभारता, इसको संस्कृत में कन्वर्ट किया। फिर फिरोज शाह तुगलक के कहने पे ही संस्कृत वर्क्स ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक, इनको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। और अभी कुछ रीसेंट रिसर्च हुई जिसके चलते ऐसा बोला गया है कि वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वर ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो भाई मतलब संस्कृत से पर्शियन, पर्शियन से संस्कृत, ऐसे बहुत से पैरेलल ट्रांसलेशंस इस पर्टिकुलर समय पे चले हैं। आगे बात की जाए रीजनल लैंग्वेजेस की, तो देखिए लिटरेरी वर्क्स हाई क्वालिटी के केवल पर्शियन संस्कृत में नहीं थे, बहुत सारे लिटरेरी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वहां पे भी थे। तो हिंदी की बात कर लो, बंगाली की बात कर लो, मराठी की बात कर लो। अगर आप इन भाषा का उदय देखोगे तो भाषा 8वीं शताब्दी में आई है। तमिल भाषा आप कह सकते हो कि इनसे भी बहुत पुरानी है। अब ओवरऑल अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है। ओके, तो क्या बोला इन्होंने कि दीज लैंग्वेजेस हैव फ्रॉम
एंशियंट टाइम्स अप्लाइड इन एवरी वे टू द कॉमन पर्पसेस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब ये कि ये जो भाषाएं थी, ऑब्वियसली बात है, बहुत पहले से यही ये इंडिया में इस्तेमाल की जा रही थी, तो इंडिया के लोगों का रहन सहन काफ़ी हद तक इन भाषाओं के साथ जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे ये भाषाओं का जो रिटन फॉर्म था वो भी इवॉल्व हुआ, तो इनकी मैच्योरिटी के साथ साथ इन भाषाओं में भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स लिखे गए। तो मिडवल पीरियड में अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, बंगाली, मराठी, सब में आपको लिटरेरी वर्क्स देखने को मिलेंगे। और रीजनल भाषाओं के उठने की एक और वजह थी, देखिए संस्कृत की इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होने लगी थी, क्यों? क्योंकि टर्क्स के आने से जो कास्ट सिस्टम था थोड़ा डाइल्यूट होने लगा था। पहले क्या था कि जो राजपूत वगैरह रूलर्स थे, जो हिंदू रूलर्स थे, वो कास्ट सिस्टम को मानते थे, तो इस कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी। लेकिन जब टर्किश रूलर्स आए तो ब्राह्मण्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिलना बंद हो गई, और मेनली जो संस्कृत भाषा थी इसका प्रयोग ब्राह्मण्स के द्वारा किया जाता था, तो इसके लिए भी यहाँ पे संस्कृत भाषा की प्रेस्टीज थोड़ी कम हो गई। भक्ति सेंट्स द्वारा पहले ये जो संस्कृत कॉमन भाषा की तरह इस्तेमाल की जाती थी, चूंकि संस्कृत की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हुई, तो बहुत सारी और भाषाएं उठ के यहाँ पे आएंगी। जैसे कि अगर आप बात करो नायनार और अलवर्स की, मैंने बात की थी आपको पिछली वीडियो में, बताया भी है, तो जो नायनार्स और अलवर्स थे इन्होंने संस्कृत में थोड़ा लिखा है, इन्होंने अपनी साउथ इंडिया की इंडिजीनियस भाषाओं में लिखा है, समझ गए? तो जो अर्ली सेंट्स थे उन्होंने अपने आइडियाज को ना पर्शियन में, ये जो आप कह सकते हो कि रीजनल सेंट्स थे, ना पर्शियन में प्रोपोगेट किया और ना ही संस्कृत में प्रोपोगेट किया, उन्होंने अपनी रीजनल भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे तमिल, कन्नड़, मराठी वगैरह का प्रयोग किया गया। और खास बात यह था कि टर्किश पीरियड से पहले जो रीजनल किंगडम्स हुआ करते थे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी संस्कृत और तमिल, कन्नड़, मराठी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। इन फैक्ट टर्किश रूल के दौरान ऐसा सुनने में आया है कि जो सुनने में आया क्या मतलब पुराने लिटरेरी रिकॉर्ड से मिला है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते थे उनको हिंदी भाषा पता था, और कुछ हद तक ये अकाउंट्स हिंदी भाषा में भी लिखे जाते थे। और बहुत सारे लोकल किंगडम्स में पर्शियन के साथ साथ जो लोकल भाषाएं थी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज में इस्तेमाल होती थी। चूंकि देखिए किसी एक पर्टिकुलर लोकल साम्राज्य की बात करो, जैसे तेलुगु रीजन की बात कर लो, तो वहां पे जो बिल्कुल गांव गराज के इलाके हैं वहां पे लोगों को पर्शियन नहीं आती है, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए हल्की फुल्की तेलुगु का भी प्रयोग यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो साउथ इंडिया में अगर आप तेलुगु की बात करो तो विजयनगर रूलर्स के अंदर तेलुगु बहुत पहले से तेजी से प्रोलिफरेट करी। बहमानी किंगडम के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा थी मराठी, बीजापुर के कोर्ट में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा थी मराठी, ओके। और धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम हम ये देखेंगे कि जब ये भाषाएं एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेंगी तो इन भाषाओं को पेट्रोनेज भी देंगे हमारे मुस्लिम किंग्स लिटरेरी पर्पजेस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बंगाल का राजा था नुसरत शाह, उसने महाभारत और रामायण को बंगाली में कन्वर्ट करवाया। मालाधार बासु था, उसने भगवत को बंगाली में कन्वर्ट करवाया। तो बहुत सारे मुस्लिम राजाज ने आप देखोगे कि रीजनल भाषाओं में इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट का कन्वर्जन करवाया। तो महाभारत, रामायण जो पहले संस्कृत में थी उनको बंगाली में यहाँ पे कन्वर्ट कराया गया। बहुत सारे पर्शियन वर्क्स को भी यहाँ पे रीजनल भाषाओं में कन्वर्ट कराया गया, और ऐसा मुस्लिम सुल्तान्स के द्वारा किया गया। तो ये बोल देना कि ओवरऑल इस समय पे रीजनल भाषाओं को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, केवल पर्शियन को ही इंपॉर्टेंस दी गई, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, द यूज ऑफ भक्ति पोएम्स इन हिंदी बाय द सूफी सेंट्स इन द म्यूजिकल गैदरिंग्स हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। इन जौनपुर द सूफी सेंट्स सच एज मलिक मोहम्मद जायसी रोट इन हिंदी एंड पुट फॉरवर्ड सूफी कॉन्सेप्ट्स इन अ फॉर्म व्हिच कुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। दे पॉपुलराइज्ड मेनी पर्शियन फॉर्म्स सच एज मसनवी। देखिए सूफी सेंट्स के द्वारा भक्ति पोएम्स का प्रयोग किया जाता था हिंदी में, तो अपनी म्यूजिकल गैदरिंग्स के दौरान सूफी सेंट्स जो पोएम्स बोलते थे हिंदी में बोलते थे। क्यों हिंदी में बोलते थे? क्योंकि जो इनके फॉलोअर्स थे हिंदुस्तान के लोग थे, इंडिया के लोग थे, उनको हिंदी आती थी। अब वहां पे पर्शियन या अरेबिक बोलोगे लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो लोगों को कनेक्ट कैसे करोगे? जौनपुर में जो सूफी सेंट थे मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने हिंदी में अपने काव्यों को लिखा है और सूफी कंसेप्ट को इतने सिंपल फॉर्म में लोकल भाषा में सामने रखा है कि आम आदमी भी इसको समझ सके। पर्शियन फॉर्म, पर्शियन जो भाषा थी ना, ठीक है ना, उसका एक बड़ा फॉर्म था मसनवी जो कि काफी हद तक हिंदी से मिलता जुलता था, इसको भी यहाँ पे पॉपुलराइज किया गया। फिर बात करते हैं फाइन आर्ट्स की, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ट्रेंड्स टुवर्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन आर टू बी फाइंड नॉट ओनली द फील्ड्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स इन रिचुअल्स आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स पर्टिकुलरली म्यूजिक। तो देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जब इंटीग्रेशन की बात की जाती है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटीग्रेशन
रिलीजियस बिलीफ्स और रिचुअल्स में भी देखने को मिलता है, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट में, म्यूजिक में, हर जगह देखने को मिलता है। जब ये टर्क्स इंडिया में एंट्री मारेंगे तो ये इनहेरिट करेंगे द रिच अरब ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक, ओके, व्हिच हैड बीन फर्दर डेवलप्ड इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया। दे ब्रॉट विद देम अ नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द रबाब एंड सारंगी एंड न्यू म्यूजिकल मोड्स एंड रेगुलेशन। समझिए, जब टर्क्स एंट्री मार रहे थे तब इंडिया में पहले से अरेबिक भाषा थी, तो अरेबिक भाषा में जो भी म्यूजिकल ट्रेडिशन चल रहा था उनको इन टर्क्स ने पकड़ा, उस म्यूजिकल ट्रेडिशन को ओवरऑल पर्शियन भाषा से मिलाया, एक अलग ही प्रकार का सिंथेसिस यहाँ पे सामने निकल के आया, और पहले से जो नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे थे उनमें थोड़े एडिशंस हुए, थोड़े चेंजेस हुए, नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पे खोज होगी, जैसे कि रबाब और सारंगी जैसे नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे उभर के आएंगे, नए म्यूजिकल मोड्स और रेगुलेशंस यहाँ पे उभर के आएंगे। फिर भाई खास बात यहाँ पे ये भी थी कि इंडियन म्यूजिक का जो फर्क है ना वो पूरी दुनिया में पड़ा है। अगर आप देखो तो इंडियन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिशियंस जो खलीफा था बगदाद का उनके कोर्ट में भी प्रेजेंट थे, और वहां पे जो म्यूजिक इवॉल्व हुआ है उसके ऊपर भी इंडियन म्यूजिशियंस का फर्क पड़ा है, ओके। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर जब दिल्ली सल्तनत का राज आया तो टर्किश, अरेबिक और इंडियन ये तीनों ही प्रकार के म्यूजिक की एक खिचड़ी सी बनी, और ये खिचड़ी काफी खूबसूरत थी, और यहाँ पे अमीर खुसरो का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अमीर खुसरो को यहाँ पे नायक का टाइटल दिया गया, मास्टर ऑफ बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक का टाइटल दिया गया। अमीर खुसरो ने बहुत सारे पर्शो अरेबिक एयर्स बनाए, मतलब अरेबिक और पर्शियन भाषा से मिला के कुछ राग बनाए, और ऑब्वियस सी बात है इन राग में हिंदी ना हो, हिंदुस्तानी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनके नाम दिए गए एमन, घोरा, सनाम, ओके। फिर यहाँ पे ओवरऑल अमीर खुसरो को क्रेडिट किया गया है विद द इन्वेंशन ऑफ सितार, सितार की खोज की है यहाँ पे अमीर खुसरो ने। हालांकि कहीं पे ऐसा एविडेंस नहीं है कि अमीर खुसरो ने सितार की खोज की है, कुछ हद तक बहुत सारे लोगों ने बोला कि तबला का इन्वेंशन भी अमीर खुसरो ने किया है, हालांकि बाद में पता चला कि तबला लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में आया है, तो तबले का एक हो सकता है प्रेडिसेसर कुछ फॉर्म हो जिसको ओवरऑल अमीर खुसरो इस्तेमाल करते हो। फिर आप देखोगे द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक कंटिन्यूड अंडर फिरोज, हु यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एवरी फ्राइडे आफ्टर नमाज। तो हर फ्राइडे को नमाज के बाद फिरोज तुगलक ओवरऑल म्यूजिक सुनता था, म्यूजिक सुनने का उसको काफी शौक था, म्यूजिक के फील्ड में उसने काफी कुछ किया भी है। इंटीग्रेशन कैसे, तो भाई जो पर्शियन कल्चर, अरेबिक म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक का एक मिक्स यहाँ पे बनाया गया, जो इंडियन क्लासिकल वर्क था राग दर्पण इसको ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन ड्यूरिंग दिस रेन। फिर आप देखोगे म्यूजिकल गैदरिंग स्प्रेड फ्रॉम द अबोर्ड्स ऑफ द सूफी टू द पैलेसेस ऑफ द नॉबल्स। सुल्तान हुसैन शारकी द रूलर ऑफ जानपुर वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ म्यूजिक। तो जो सुल्तान हुसैन शारकी था जानपुर का राजा, ये म्यूजिक का पैटर्न था। फिर जो म्यूजिकल गैदरिंग्स थी, जो सूफीज के अबोर्ड्स थे, जो सूफी की दरगाह थी, वहाँ पे बहुत सारी म्यूजिकल गैदरिंग्स होती थी। ओवरऑल सूफी जब अपनी मीटिंग्स वगैरह लिया करते थे वहाँ पे बहुत सारी म्यूजिकल गैदरिंग्स हुआ करती थी, और वहाँ पे कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन होगा तो वह भाई पैलेसेस में जाके नोबल के सामने परफॉर्म करेगा। फिर एक सूफी सेंट थे पीर बोधन, ये आप कह सकते हो कि वॉज द सेकेंड ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द एज। नंबर वन में तो भाई अमीर खुसरो का ही नाम लिया जाता है। फिर एक और रीजनल किंगडम था, किंगडम ऑफ ग्वालियर, यहाँ पे राजा मानसिंह थे इसके राजा। राजा मानसिंह अपने आप में ही म्यूजिक के एक बहुत बड़े लवर थे, तो एक वर्क है यहाँ पे मान कौतूहल। तो मान कौतूहल में भी ये बोला गया इन विच ऑल द न्यू म्यूजिकल मोड्स इंस्टीट्यूस्ड बाय द मुस्लिम्स वर इंक्लूडेड वॉज प्रिपेयर्ड अंडर हिज एजेस। तो जो मान कौतूहल नाम का म्यूजिकल ट्रेडिशन राजा जो थे मानसिंह आपके ग्वालियर के, इनके अंदर चलाया गया, इसमें जितने भी अलग अलग मुस्लिम म्यूजिशियंस ने अपने व्यू पॉइंट्स और इनपुट्स दिए थे उसको भी यहाँ पे इम्बाइब किया गया। अच्छा, वी डू नॉट नो एट दट पार्ट टाइम द म्यूजिकल मोड्स इन नॉर्थ इंडिया बिगन टू डिफर फ्रॉम दोज ऑफ साउथ इंडिया। शुरुआत में तो ऐसा समझा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से म्यूजिक डेवलप हो रहा था और साउथ इंडिया में जिस प्रकार से डेवलप हो रहा था दोनों में सिमिलैरिटी थी, बाद में देखा गया कि धीरे धीरे दोनों में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आने लगा। फिर डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड इन कंसिडरेबल मेजर बाय पर्शियन म्यूजिक डेवलप्ड इन द किंगडम ऑफ कश्मीर। तो भाई कश्मीर के किंगडम में भी एक अलग प्रकार का ही म्यूजिक है, जैनुल अबिदीन के बारे में आपको पहले पढ़ा रखा है। जौनपुर की कॉन्क्वेस्ट के बाद सिकंदर लोदी ने भी म्यूजिक को एक लैविश स्केल पे पैट्रोनाइज करना शुरू किया, बाद में मुगल रूलर्स ने भी आपका म्यूजिक को पैट्रोनाइज किया। आगे जो कल्चरल डेवलपमेंट हो गए मुगल रूलर्स के दौरान उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो कल्चरल डेवलपमेंट्स थे इनको हमने यहाँ पे बहुत ढंग से पढ़ाया। आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई हूँ। अब आगे आने वाले
चैप्टर में स्ट्रगल फॉर अंपायर इन नॉर्थ इंडिया 2, अब मुगल्स से शुरुआत हो जाएगी, मुगल्स एंड अफगान्स, 1525 एडी से लेके 1555 एडी तक क्या हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से समझना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको इस प्रकार की वीडियो में मदद मिल रही है। वीडियो को ज्वाइन बटन दबा के जरूर हेल्प करिए दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से बहुत हेल्प मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।